नदरीन साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वकला ने सीक्रेट अदालत के जज अबुल हुसना जुल्कनैन रुख्सत पे जाने पर बरहमी का इजहार किया है। जज अबुल हुसना जुल्कनैन की रुख्सत पे होने की वजह से साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीटीआई के कानूनी टीम में शामिल वकील इंतजार पंजेता ने कहा है कि सिर्फ चेयरमैन पीटीआई के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद है। इंतजार पंजेता का कहना था कि चेयरमैन पीटीआई को जब सजा देनी थी तो ट्रायल कोर्ट में 5 दिन में फैसला सुनाया। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंजेता का कहना था कि कल जज अबुल हुसना जुल्कनैन रिमांड देने आ गए लेकिन आज छुट्टी पे चले गए। चेयरमैन पीटीआई को इंसाफ न देना और दरख्वास्त जमानत पे समाअत न करना जुल्म है। नईम पंजेता का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके चेयरमैन पीटीआई को तलब किया जाए। याद रहे कि जेल सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने इमरान खान को हासिल सहूलियत से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराई थी जिसमें बताया गया था चेयरमैन पीटीआई को जेल में नया बाथरूम रूम कुर्सी और दीगर सहूलियात दी गई है। नाजरीन तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना।